बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब में विधानसभा की 18 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में मतगणना जारी। बिहार की 10 सीटों पर हुए उपचुनाव में लालू, नीतीश और कांग्रेस गठबंधन भाजपा से आगे। भाजपा ने नरकटियागंज सीट जीती तो आरजेडी ने मोइनुद्दीन नगर और राजनगर सीट पर किया कब्जा। मध्य प्रदेश में भाजपा ने आगर सीट जीती तो कांग्रेस ने कर्नाटक में बेलारी सीट और पंजाब में पटियाला सीट पर किया कब्जा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार किया। याचिका में कहा गया था कि ये विधेयक संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट में आज कामठगिरी की परिक्रमा के दौरान मची भगदड़ में 6 महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत, कई लोग घायल। मध्य प्रदेश सरकार ने चित्रकूट धाम के मंदिर में मची भगदड़ में मृतकों के परिवारजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा। सरकार ने न्यायिक जांच के दिए आदेश। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान द्वारा ताजा संघर्ष विराम उल्लंघन में 3 नागरिक घायल। पाकिस्तानी रेंजर्स ने 24 गांवों और 40 भारतीय सीमा चौकियों पर की गोलीबारी। सीमा सुरक्षा बल ने की जवाबी कार्रवाई। बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश में स्थिति खराब। उत्तराखंड, बिहार और असम में हुआ काफी नुकसान। बाढ़ के कारण जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की सहायता की घोषणा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वियतनाम के दौरे पर, भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। कहा कि अब समय आ गया है कि भारत लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाए। आयातकों की ओर से डॉलर की मांग बढ़ने से अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज के शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे कमजोर होकर 60.52 रुपए प्रति डॉलर पर खुला। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे सुधर कर 60.47 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। बम्बई शेयर बाजार का सूचकांक आज के शुरुआती कारोबार में 163 अंक की तेजी के साथ 26582 पर खुला। निफ्टी भी 45 अंक बढ़कर 7958 पर खुला। ब्रिटेन के जाने माने फिल्म अभिनेता और निर्देशक सर रिचर्ड एटनबरो का 90 साल की आयु में निधन। रिचर्ड एटनबरो ने कई ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली फिल्म गांधी का किया था निर्देशन। गांधी फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका अदा करने वाले अभिनेता बेन किंग्सले ने कहा कि फिल्म जगत उन्हें हमेशा याद रखेगा। इंग्लैंड के खिलाफ 5 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से ब्रिस्टल में। इंग्लैंड से टेस्ट श्रृंखला 3-1 से हारने के बाद भारत के लिए एक दिवसीय श्रृंखला काफी महत्वपूर्ण।